जब जिंदगी अपने आप में ही मुतमईन हुआ करती थी, ख्यालों की भी क्या खूब आज़ादी हुआ करती थी, नदी किनारे बनाए हुए खेलों की भी क्या खूब हमझोली हुआ करती थी, उन जज्बातों की भी कितनी सुहानी यादें बना करती थी। वो पल भी कितना अनमोल हुआ करता था जब माँ की गोदी में सर रख सुकून की नींद आ जाया करती थी। अपनी भोली सी सूरत पर दिल आते ही अपनी ख्वाहिश भी कितनी आसानी से कबूल हो जाया करती थी। उस वक्त की भी कितनी कमाल की बात हुआ करती थी। इस लड़की की मासूमियत ने ना मेरी बचपन की लिखी हुई शायरी मुझे याद दिला दी। कसम खुदा की, मेरी फ्लाइट का वक्त नहीं हो रहा होता ना तो जाके मैं इसे गले लगा लेती। इनायत कुरैशी, ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल थोड़ा असलियत में भी आ जाइए। अगर फ्लाइट निकल गई ना तो जो आपने ऑफिस से छुट्टी मांगी है इतनी मुश्किलों के बाद, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए आपको। आज तो मैं कोहिनूर हीरा भी मांग लेती ना, वो भी कम होता। आए हाय, अम्मी के हाथ की बिरयानी 3 घंटे बाद खाने मिलेगी, मज़ा आ जाएगा आज तो। चलो ये नॉवल ही लेकर आई हूँ, यही पढ़ लेती हूँ। जिंदगी की राहों में हवाओं का रुख हो तो उड़ना भी आसान हो जाता है। हवाओं का रुख साथ होने से जिंदगी की मंजिल बदली भी जा सकती है। जी लाइनें थी ना तो ऐसी मैं नॉवल में पढ़ने लगी थी, आपने तो इन लाइनों का अंदाज ही कुछ अलग सा कर दिया। वैसे मेरा नाम इनायत कुरैशी है और आपका, एक्सक्यूज़ मी, अरे आप तो वही है ना जो उस प्यारी सी बच्ची के साथ खड़े हुए थे। मैंने देखा था आपको उस बच्ची के साथ खड़े हुए, कितनी अच्छी लग रही थी वो आपके साथ जिद करते हुए। शायद आप उसके अब्बू होंगे। एक्सक्यूज़ मी, तुमको मेरी उम्र इतनी लगती है, वैसे तुम मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा ताका झाकी क्यों कर रही हो, तुमको इससे क्या मतलब है? इस सफ़र में हम दोनों अनजान मुसाफिर हैं तो सोचा थोड़ी सी गुफ्तगू करके इस सफ़र को भी थोड़ा बहुत यादगार बना लिया जाए और थोड़ा बहुत उस बच्ची के बारे में तुमसे जान लिया जाए। वो क्या है ना, मुझे छोटे बच्चे बड़े पसंद हैं। क्यों, तुम्हारे नहीं है क्या? हाय अल्लाह, अभी तो मेरा निकाह भी नहीं हुआ है। वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, जिस सरफिरे से तुम्हारी किस्मत टकराएगी ना, न जाने उसका क्या होने वाला है। अच्छा, तुमको बड़ा पता है, वो मेरी भतीजी थी और शायद मैंने दूर से देखा था कि वो किसी खिलौने की जिद कर रही थी। खिलौने तो उसके पास इतने हैं ना कि मैं बता ही नहीं सकता, पर उसकी भोली सी सूरत के आगे है ना मेरा दिल एकदम से है झुक जाता, तो उसके लिए ना मैं खिलौना देकर ही आया। ये गुफ्तगू के सिलसिले में हैदराबाद से दुबई कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला। वैसे तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अगर तुम बुरा नहीं मानोगी तो एक बात कहूँ, ये जो तुम्हारी नॉवल है मुझे बहुत अच्छी लगी, क्या तुम एक्सचेंज कर सकती हो नॉवल? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने वाली बात है। वैसे ये एक्सचेंज क्यों, तुम अपनी नॉवल भी रखो और मेरी भी रख लो। वो क्या है ना, मैं सोचता हूँ कि किसी का कुछ रखना नहीं चाहिए, हमारे पास अगर कुछ है उसके बदले तो उसको दे देना चाहिए। वाह वाह, सोचने का क्या अंदाज है तुम्हारा। अम्मी अब्बू और सभी रिश्तेदारों के बीच में मेरे 2 हफ्ते कैसे गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला, पर न जाने कैसे मेरे अंदर मुझे कुछ खालीपन सा महसूस सा होने लगा।
हाय अल्लाह, न जाने क्यों मेरी नज़र बार बार इस नॉवल पे जाती है। उस सेल्फ रे का है ना नाम भी नहीं जान पाई। अब पता नहीं कभी मुलाकात होगी कि भी नहीं। मेरे दिल में उतरने वाला पहला एहसास हो तुम, तुम्हारी हर हरकत के ख्यालों में डूब जाना ऐसा सर चढ़ा नशा हो तुम। मेरे नसीब को उस लम्हे का इंतजार है, उस मुलाकात की उम्मीद का एहसास मेरे जहन में जिंदा है अभी।